ओम शांति रूहानी खातिरी में आपका स्वागत है बाबा कहते हैं कि वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए हमारी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार का नेगेटिव अथवा व्यर्थ नहीं हो क्योंकि ये व्यर्थ का किचड़ा आत्मा को शुद्ध नहीं बनने देगा और उससे वृत्ति शुद्ध नहीं होगी तो इस विषय में आज बाबा कह रहे हैं अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है इसलिए वृत्ति में जरा भी कीचड़ा हो तब प्रकृतिक तब प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा और वायुमंडल बनेगा इसलिए हर एक की विशेषताओं को देखो और अपनी वृत्ति को सदा शुभ रखो इसके लिए याद रखो कि दुआ देना है और दुआ लेना है कोई भी नेगेटिव बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो क्योंकि हमें प्रकृति को भी शुद्ध बनाना है मनुष्य आत्माओं को तो हम वाचा द्वारा भी सुना सकते हैं लेकिन प्रकृति को शुद्ध बनाने का पावन बनाने का सतो प्रधान बनाने का एकमात्र जो रास्ता है अथवा तो विधि है वह है वृत्ति द्वारा तो इसलिए हमें अपनी वृत्ति को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाने पर पूरा अटेंशन रखना है कि हमारी सोच किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव नहीं हो तभी हमारी वृत्ति शुद्ध और श्रेष्ठ बनेगी ओम शांति